हेलो एवरीवन, नमस्कार। आइए देखते हैं अपने अगले स्टॉक के बारे में। अपना जो अगला स्टॉक है जेजी केमिकल लिमिटेड है। जेजी की बात करें तो आज तकरीबन 18.5% के अपवर्ड मूव देने के साथ साथ 228.85 रूपये पे क्लोजिंग दिया है। अपने ऑल टाइम हाई को भी ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग दे दिया। तो इसका चार्ट बहुत लंबा नहीं है, बट इसकी फाइनेंशियल एनालिसिस करेंगे, बैलेंस शीट की एनालिसिस करेंगे आपके सामने। तो प्लीज वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपका सपोर्ट बना रहे। ये रहा जेजी केमिकल का फाइनेंशियल रिपोर्ट। यहाँ पर मार्केट के भी बात किया जाए तो 902 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस 230 रुपये पर चल रहा है। 232 का हाई लाया, 171 रुपया इसका लो है। तो अभी इसका कुछ डाटा खास है नहीं, अपने पास डाटा बहुत कम है। बट देखा जाए तो अपने डेप को रिड्यूस किया है। आरओई ट्रैक देखा जाए तो 28.5% का आरओई ट्रैक है, अच्छा खासा आरओई ट्रैक है। वही कंपटीटर की बात करें, पीडी लाइक है, एसआरएफ है, लिंडे इंडिया है, गुजरात फ्लोरोकेम है, दीपक नाइट्राइट है, टाटा केमिकल है, अच्छी अच्छी केमिकल सेक्टर की कंपनियां हैं। और बात करें हाफ ईयरली रिजल्ट की, तो हाफ ईयरली रिजल्ट में नहीं बात करेंगे हम, ये एनुअली रिजल्ट की बात करते हैं। तो प्रॉफिट की बात अगर करते हैं तो प्रॉफिट में देखा जाए 2020 में 14 करोड़ का प्रॉफिट था, 2021 में 29 करोड़ का प्रॉफिट था, 2022 में 43 करोड़ का प्रॉफिट, 2023 में देखा 57 करोड़ का प्रॉफिट। तो प्रॉफिट देखा जाए तो डे बाय डे प्रॉफिट ग्रो किया है। तो कंपनी में पॉजिटिवनेस है, पॉजिटिव है, तो इसीलिए प्रॉफिट ग्रो करा है, सेल्स ग्रो करा है। तो बैलेंस शीट क्या कहता है, बैलेंस शीट का भी डाटा आपको 2020 से ही मिलेगा। बैलेंस शीट में देखा जाए इक्विटी कैपिटल कितना है, 1 करोड़ का इक्विटी कैपिटल 2020 में था, 2021 में इतना ही था, 2022 में इतना था, 2023 में देखा 32 करोड़ का इक्विटी एंड कैपिटल हो गया है। कितना गुना बढ़ा, 32 गुना तकरीबन, 1 करोड़ से बढ़ के 32 करोड़ का। तो फाइनेंशियल में इक्विटी कैपिटल देखा जाए बहुत ही अच्छा है। वही रिजर्व एंड सरप्लस की बात करें तो 84 करोड़ का रिजर्व एंड सरप्लस 2020 में था, जो 107 करोड़ हुआ, फिर 151 करोड़ हुआ, 176 करोड़ हुआ। तकरीबन ये भी हर साल ग्रो कर रहा है, रिजर्व एंड सरप्लस एड कर रहा है, तो ये भी पॉजिटिव में है। रही बात बारहवीं की, बारहवीं 52 करोड़ से बढ़ के 70 करोड़ हुआ है। तो ये कंपटीशन में देखा जैसे इक्विटी कैपिटल बढ़ रहा है, रिजर्व एंड सरप्लस बढ़ रहा है, तो इतना बारहवीं चलेगा, इतना बारहवीं हर कंपनी के ऊपर हो सकता है। और टोटल एसेट की बात करें तो एसेट देखिए कमाल का एसेट है, 149 करोड़ का 2020 में था, 2021 में 210 करोड़ का एसेट हुआ, 2022 में 264 करोड़ का एसेट हुआ, 2023 में देखा है 298 करोड़ का एसेट बना चुका है। तो कंपनी में देखिए इक्विटी कैपिटल पॉजिटिव है, रिजर्व सरप्लस पॉजिटिव है, एसेट पॉजिटिव है, बारहवीं भी थोड़ा बहुत, इतना ज्यादा बारहवीं नहीं है। तो देखा जाए तो पॉजिटिव है, इस कंपनी में पॉजिटिवनेस है। वही बात करें हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपको देखा जाए तो एक ही 2024 का शेयर होल्डिंग पैटर्न दिख रहा है। प्रमोटर की हिस्सेदारी कितनी है, 70.99%, तकरीबन 71% के। FII की हिस्सेदारी 7.10% की है। पब्लिक की हिस्सेदारी केवल कितनी है, DII की हिस्सेदारी 5.4% है, 16.5% केवल पब्लिक की हिस्सेदारी। तो सोचिए कितनी बड़ी, कितनी प्रॉफिटेबल कंपनी हो सकती है फ्यूचर में चल के। इन तीनों का रेशियो देखिए तकरीबन आपका 84% एक्वायर किए प्रमोटर, FII DII के नाम तो आप जानते ही होंगे। तो कंपनी में पॉजिटिवनेस है, आप लॉन्ग टर्म बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, बट अपने रिस्क के अनुसार बनाइएगा। और रही बात इसे चार्ट पैटर्न में देखा जाए तो अगर बना भी रहा था, ब्रेकआउट दिया है, ब्रेकआउट का ये लो आपका रहेगा, यही स्टॉप लॉस रखेगा जो भी है अपने हिसाब से, ये वाला जो रहेगा 190 आप स्टॉप लॉस रख के आप एंट्री बना के ट्रेल करते हुए ऊपर जा सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए चलना चाहते हैं तो आप स्टॉप लॉस इसको रखिए, और क्वांटिटी थोड़ा कम उठाइए, स्टॉप लॉस थोड़ा लंबा, क्वांटिटी कम उठाइए, तो इससे रिस्क मैनेज हो जाए आपका। तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, मिलता अगले वीडियो, धन्यवाद।